יוחום! יואו יוחום! יואו יוחום! יואו יוחום! יואו יוחום! BJP go back! Go back! Go back! Hemanta Biswa Sarma go back! Go back! Go back! Hemanta Biswa Sarma go back! Go back! Go back! Utchet bondho karo! Bondho karo! Bondho karo! Utchet bondho karo! Bondho karo! Bondho karo! Holua manok utchet kara bondho karo! Bondho karo! Bondho karo! Indigenous manok utchet kara bondho karo! मेरा नाम पलाक्षी दास है। हम लोग असम से आए हैं। हम लोग इंडिजिनियस पीपल है। हाँ जी बोलिए। क्या मांग आप लोग? हम लोगों की डिमांड ये है कि हम लोगों का जो ज़मीन है हम लोगों को वापस चाहिए। हम लोग अपने ज़मीन पर रहते थे, हम लोग किसी के ज़मीन पर हड़प कर नहीं बैठे थे। तो हम लोगों के ज़मीन पर जो उन लोगों ने बुलडोजर चलाया है तो इसके खिलाफ़ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और हम लोगों का जो CM है माननीय हेमंत विश्व शर्मा जी को हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि हम लोगों का जो अधिकार है हम लोगों को वापस चाहिए, हम लोगों का जो ज़मीन है वो भी वापस चाहिए। ऐसे मतलब हितलारी शासन चलाने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को मतलब जो हितलारी शासन हम लोगों के ऊपर चलाया है इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कल परसों भी उन लोगों ने बुलडोजर चलाने की कोशिश की थी, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आज भी असम में प्रोटेस्ट हो रहा है। और हम लोग आए, हम लोग की डिमांड और जो हम लोग का प्रधानमंत्री जी है वो लोग बोलते थे ना जो असम के लोगों के जो अधिकार है हम लोग आप लोग को दिलाएंगे, इस बात को कहकर उन लोग सत्ता पे आए थे। जब सत्ता हासिल कर लिया अब वो लोग मुकर गए हैं। तो हम लोग का जो ज़मीन का अधिकार है, हम लोग असामीस है, इंडिजिनियस है, तो असम में असामीस लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? तो हम लोग का जो ज़मीन है पूरा बेच दिया है। बाबा रामदेव हो या कोई भी हो, अदानी हो, अंबानी हो, सबको बेच दिया है, बिजनेसमैन को बेच दिया है। इसलिए इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे, हम लोगों का ज़मीन हम लोगों को चाहिए किसी भी कीमत पर, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हेमंत विश्व शर्मा जी जितने भी कोशिश कर लीजिए, करना चाहते हैं वो कर लीजिए, लेकिन हम भी डटे रहेंगे। कितने लोग इससे प्रभावित हो गए? बहुत सारे लोग हैं, लगभग हजार से भी ऊपर, हजार से भी ऊपर करने के लिए वो लोग लग रहे हैं। एक्वायर कर लिया क्या? हाँ ऑलरेडी एविक्शन कर दिया है। मुआवजा नहीं दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया है उन लोगों के। हम लोगों ने मतलब ले लिया है, इक्विजिशन किया है ऐसे बोला है, हम लोगों ने दखल किया है ऐसे बोला है। लेकिन बात यह है कि इसने सब कुछ बोला ही है, लेकिन आप लोगों को हम एक बात बोलना चाहते हैं कि जो हम लोग का CM है हेमंत विश्व शर्मा, वो असम को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग नेशनल लीडर बनने के लिए हर हफ्ते में दिल्ली आते हैं, आके बोलते हैं कि हम लोगों का असम का लोग सोकल मामा कह के बुलाते हैं, सब लोग हमें प्यार करते हैं। लेकिन इसीलिए हम लोग असम में बहुत सारे धरने किए हैं, लेकिन अभी दिल्ली में आए हैं। हम लोग ज़्यादा इतना आदमी नहीं आ कर पाऊँ क्योंकि हम लोग का घर जमीन सब कुछ छीन लिया है। इसीलिए उन लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हम लोग ये आए हैं, आके ये बोलना चाहते हैं कि अरे मामा जी आप बाहर में दूसरा पिक्चर दिखा रहे हैं कि आपको सब कोई मानते हैं, आपको आप सोकॉल्ड मामा है और आपका असम में कोई प्रोटेस्ट नहीं होते हैं और आप सबके सब कुछ दिला रहे हैं, ये झूठ है। ये पर्दा फाश करने के लिए हम लोग दिल्ली आए हैं। हम लोगों की सीधी सी बात है कि इलेक्शन के आगे उन लोगों ने असामीस में जाति माति भेटी इसके बारे में बोला था। जाति का मतलब नेचन, माति का मतलब जमीन और भेटी का मतलब है असम। ये बोल के उन लोगों ने वोट मांगा था, वोट भी ले भी लिया और चीफ मिनिस्टर भी बन गया। अभी हम लोगों का जो इंडिजिनियस पीपल है उन लोगों का जमीन छीन के बाबा रामदेव को देते हैं। हम लोगों को जो मतलब आज बहुत दिन से मतलब 30-40 ईयर्स से जो जमीन में बैठ के रहे थे उन लोगों को बेघर कर दिया है। उन लोग जो मन चाहे वो कानून लाते हैं विधानसभा में असेंबली में लाके हम लोगों के ऊपर डाल देते हैं, बोलते हैं ये वाटर बॉडीज है। जो सिलसकू का बात है जिसके लिए हम लोग आए हैं उन लोगों ने बोलते हैं कि ये वाटर बॉडीज थे। अरे हम लोगों का आदमी 1970 से वहाँ खेती किया था, वहाँ घर बना के रहा था, उन लोगों को वो जमीन के ऊपर नजर आया, इसके लिए उसको छीनने के लिए वाटर बॉडीज एक्ट लाया है 2008 में। वो हमारे ऊपर जोर जबरदस्त तो डाल दिया है, डाल के अभी वाटर बॉडीज के चक्कर में हम लोग का जमीन छीन लिया है। और उस हमारे घर के पास ही टाटा का जिंजर होटल है बहुत बड़ा, उसका नहीं एविक्शन नहीं किया है हम लोगों के। वहाँ हिम्मत सिंह का बोल के एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, उसका 17 महल का मोहल्ला का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वो भी
उस लोगों ने एविक्शन नहीं किया है, लेकिन हम लोगों का जो इंडिजिनियस आदमी का छोटा छोटा घर है उसको भगा भगा के तोड़ दिया है। ये इनजस्टिस है, हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग चाहे मर जाएंगे लेकिन हम लोग का जमीन छीन के रामदेव को, हिम्मत सिंह का, कोई बड़ा बड़ा आदमी को देने के लिए हम लोग नहीं देते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग सीधी सी बात है, हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के खिलाफ में नहीं है, वो बाहर का आदमी के खिलाफ में है, जो अमीर है, बिजनेसमैन है, जिसने उनको पैसा दे सकते हैं इलेक्शन के आगे, उन लोगों को जमीन देने के लिए ये सब किया है। हम लोग नहीं मानेंगे, लड़ रहे हैं आसाम में, अभी दिल्ली में आए हैं, चाहे तो हम लोग राष्ट्र संघ भी जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। हाँ जी, जनता ने ऐसा शेर पाल लिया है, अभी घर मतलब घर घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, पहले भी बोला था, कोरोना देश के लिए खतरा है, ये मोदी और हेमंत विश्व मतलब मोदी और हेमंत विश्व शर्मा पूरे वतन के लिए खतरा है। तो जब तक ये लोग मतलब रहेंगे सत्ता में, तब तक इंडिजिनियस पीपल की जीना मुश्किल हो जाएंगे। एक चाय दो समोसा, मोदी आपका क्या भरोसा, एक साई दो समोसा, हेमंत लोग भाई इनकी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हाँ जी, वो तो अपनी मन मर्जी चला रहे हैं। विशेष समुदाय के लोग हैं या आदिवासी? नहीं, कोई विशेष समुदाय या आदिवासी नहीं, इंडिजिनियस पीपल है, जो असामीज भाषा में बोलते हैं अहोमिया खिलौजिया मानो, तो हम लोग असामीज इंडिजिनियस पीपल है। अगर असम में असामीज लोग नहीं रहेंगे तो बाहर के लोग आके वहाँ पर रहेंगे क्या, ये बोलिए। जब सत्ता में आए थे तो बोले थे कि आप लोगों को जो अधिकार है, चाहे जमीन का हो, चाहे जो भी अधिकार हो, आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन जब इलेक्शन हो गया, जब सत्ता हासिल कर लिया, तब मुकर गए। ये जो थाली का बैंगन है ना, इस थाली का ना उस थाली का, ये तो सिर्फ बीजेपी सरकार ही कर सकते हैं और हेमंत विश्व शर्मा जी। इसलिए बीजेपी का फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी, और कुछ नहीं है। तो हम लोगों की डिमांड है, हम लोगों का जो जमीन हड़प लिया है वो जमीन चाहिए किसी भी कीमत पर। हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग आंदोलन और भी मतलब हाँ जी अगरबत्ती और कुछ लाएंगे किसके? हाँ, हम लोग यहाँ पर कैंडल जलाएंगे। जो हेमंत विश्व शर्मा जी अंधेरे में है, प्राइम मिनिस्टर अंधेरे में है, तो हम लोग उनको रोशनी दिखाएंगे। देखिए, हम लोग इंडिजिनियस पीपल है। आज दिल्ली क्यों आना पड़ा? चाहे लोग कम हो, ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं है, घर तो नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बेघर है, रस्ते में है, तो वो लोग तो आ नहीं सके। हम लोगों ने सब इकट्ठा पैसे जुटाकर हम लोग आए हैं, तो हम लोग इसलिए उन लोगों को रोशनी दिखाना चाहते। देखिए, हम लोग इंडिजिनियस पीपल है, आज दिल्ली इसलिए आया, पूरे देशवासी जानी हेमंत विश्व शर्मा आखिर असम में क्या कर रही है। हिटलरी शासन कर रही है, हिटलर ने तो खुद सुसाइड किया, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा जी तो उसके भी ऊपर है। तो नरेंद्र मोदी जी को मतलब बताने के लिए हम लोग आए हैं, जो हम लोगों का गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको भी बताने के लिए, असम में असामीज लोग शांति से नहीं रह रहे हैं, असम में कोई शांति नहीं है, असम में पूरा अशांति है, अराजकता हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग जो सच्चाई है असम में अभी जो चल रहा है उसको दिखाने के लिए हम लोग आए हैं, और हम लोगों को हम लोगों का जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए।